असली वाली अभी हार्ट जो बीट है ना वो बढ़ने स्टार्ट हो गई होगी। बात करें इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्ज़ाम को लेके, आप में से जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा था, आपको एक सूचना देनी थी कि आपका एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड होता क्या पहले से ही बताते आ रहे थे। आज मैंने दोपहर में एक वीडियो बना के इन्फॉर्म किया था कि आज आपका आ सकता है एडमिट कार्ड। आज मैंने मैक्स 2-3 बोला था, 2 से 3 दिन मैक्स लग सकते हैं, और आज भी आ सकता है और आज आ गया आपका एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट। और यहाँ पे एक बड़ी चीज़ क्या है, कैंडिडेट के डाउट कॉमन से, भैया एग्ज़ाम सिटी जो है बहुत दूर दे दी है। सिंपल सी बात है यार, कुछ कैंडिडेट कैसे है, जैसे एक अपना मतलब दोस्त है, लास्ट टाइम उसके 56 नंबर थे, उत्तराखंड से है, मनीष नाम है। तो उसने मुझे मतलब मैं आप ही लोगों की तरह है, तो उसने मुझे अभी मैसेज किया, तो भाई उनका कलकत्ता भेज दिया है। कुछ लोगों का जो 5 प्रेफरेंस दी थी फॉर्म फिलिंग में, 5ों में से स्थान नहीं है। रेयर, आप अपना एग्ज़ाम सिटी ज़रूर बताइएगा, कहाँ से कहाँ पे भेजा है आपको, मतलब कि बहुत दूर दूर सेंटर से। लास्ट टाइम का भी मैंने एक कैंडिडेट का कमेंट पढ़ा, शुभिया यार मतलब इधर दिल्ली साइड से आई थिंक था, मध्य प्रदेश भेज दिया, या फिर नीचे से आके बात कर लेते हैं। ऊपर से राजस्थान वाले कैंडिडेट को, राजस्थान के मोस्टली जितने कैंडिडेट हैं उनका कानपुर सेंटर आया है, और जितने मतलब कुछ ऐसे ऊपर चले जाते हैं अगर पूर्व वाली साइड में, ठीक है ईस्ट वाली साइड में सॉरी, तो वहाँ से हमें साउथ वाले एरिया में भेज दिया, साउथ के कैंडिडेट को ऊपर भेज दिया है। तो कुछ डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पर एक ही सजेशन रहेगा, भाई अगर एग्ज़ाम देने जाना है, आपने तैयारियाँ की थी, तो डेफिनेटली आप टिकट करा लीजिए, ठीक है टिकट करा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जैसे कानपुर में था और उनका कानपुर में ही मिल गया, कुछ ऐसे भी हैं उनके भी मुझे मैसेजेस आए हैं, तो आप देखो टेंशन न लीजिए, जिसका जहाँ पे है आपकी जैसी भी तैयारी होगी उसको लेके, ठीक है। तो जिन मतलब तैयारी के लिए, मतलब मेरा कहने का मतलब जिनका जितना भी दूर गया है, अब अपना टिकट करा लीजिए, फर्स्ट नंबर तो यह डिस्कस कर लेता है। दूसरी नंबर बात यह कर लेते हैं, अब पेपर आपका 24 जुलाई से स्टार्ट है और 31 जुलाई तक मैक्सिमम चलने वाला है। जो चीज़ें पहले से ही क्लियर हैं, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो क्लियर ना हो, पहले से ही सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना। आपका 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, 10 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, और 21 अगस्त से आपका फेस सेकेंड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फेस सेकेंड मतलब इसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 31 जुलाई तक जो पेपर चलने वाले हैं लगभग 6 से 7 दिन, तो इसको लेके अब कैंडिडेट का डाउट ये होता है, रेयर बहुत डाउट्स आते हैं। पहला नंबर तो डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बताऊंगा सारा का सारा, कैसा क्या होता है। कुछ वैसा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं तैयार करना कि कोस्ट गार्ड की तरह कि आप पहले आपको डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, तो उसकी टेंशन आप एक भी नहीं लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा बात कर लेते हैं एग्ज़ाम लेवल का। एग्ज़ाम लेवल का कॉमन से काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में, मैंने कहा कवर कर देता है। जैसे कि एग्ज़ाम का लेवल, भैया इजी एग्ज़ाम शुरू में इजी आता है, लास्ट में डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये केवल कहावतें हैं। जिस दिन पेपर जिसको आता है उसके लिए इजी है, जिसका नहीं आता और उसका हार्ड हो जाता है। फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो वो, या फिर SSC वाले जो भाई देख रहे हैं उनको अगर नहीं पता डिफरेंस में, तो उनको एक लाइक ये है कि भैया इसमें भी क्या वो वाला मतलब पॉइंट्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, नॉर्मलाइजेशन वाला एयरफोर्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। एक कट ऑफ आप फिक्स कर लीजिए, आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आप एक कट ऑफ फिक्स कर लिए कि आप एक्स ग्रुप में अगर आपका 40 से स्कोर आ रहा है, आप परीक्षा पे अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे अगर 45, मैंने आप मॉर्निंग में बताया था कि एटलीस्ट 45 से स्कोर आ रहा है, डेफिनेटली आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे, क्योंकि उसमें उस लेवल के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। 45 नंबर एक्स ग्रुप पर बहुत अच्छा स्कोर है इस बार, अगर जो भी एग्ज़ाम में 45 करके स्कोर आएगा ना, उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि एक्स ग्रुप वाले लगभग 1.5 साल से शाम थे। वाई ग्रुप वाले जरूर SSC से कैंडिडेट आएंगे, उनका मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, 35 बोलता था, इस बार 40 नंबर तक वाई ग्रुप का फाइनल कट ऑफ जाएगा, तो एटलीस्ट 40 नंबर का आपको टारगेट रखना चाहिए। बाकी आपका जितनी भी दूर जहाँ भी एग्ज़ाम हो आप डेफिनेटली जाइएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही हो, अब देखो जो टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर रखे थे उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करने का टाइम आ गया है। जिस भी टॉपिक में आप वीक हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ, ऑलरेडी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ कि आप इन टॉपिक्स पर कमांड कर सकते हो, ठीक है। तो आप उन टॉपिक्स पर कमांड करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप रहने दीजिए, क्योंकि 3,000-3,500 कैंडिडेट के बीच में लगभग 10 से 12 हज़ार लगभग 15,000 कैंडिडेट को जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसमें आपको जगह बनानी है 6 से 7 लाख कैंडिडेट के बीच में, तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास टाइम भी, अब जिनका 30 तारीख को एग्ज़ाम है उनके पास पूरे 15 दिन का समय है, तो आप आराम से तैयारियों में लग जाइए। जो दिक्कतें आ रही हैं वो बताते रहिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते रहिए, वही मॉक टेस्ट के वही बहुत सारे फायदे। मॉक टेस्ट जैसे रीजनिंग, मैं वाई ग्रुप देखो इंग्लिश सेक्शन सभी अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, सभी अच्छे से। एक चीज़ और खुशी की बात यह है, मैंने जैसे कि पहले जो परीक्षा पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते थे मैंने बोला था 15 टेस्ट हैं, इन्हें मैं बढ़वा
दूँ एग्ज़ाम तक, कोशिश करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइम बहुत कम मिला था किसी को भी कुछ भी तैयार करने के लिए, टाइम लगता है, ये तो होता नहीं कि कुछ भी अब वो चाहते तो पुराना वाला ही अपडेट करके नया कर देते, वही कर देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। न्यू मॉक टेस्ट वहाँ पर कर दिए गए, प्राइस थोड़ा सा ठीक है, 175 रुपीज़ आप ऑफलाइन, और मैं तो रिकमेंड करूँगा वहाँ पर एक टेस्ट और है एयरफोर्स, मैं यहाँ पर बाई करने का तरीका बता दूँगा, 125 रुपीज़ में वो वाले मिल जाते हैं, वो वाले भी आप कर लीजिए, बिल्कुल रिलेवेंट है। बाइक का जिसमें कोड का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन D50, कोड को लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, आपकी काफ़ी सारी मतलब एक रैंकिंग सुधार आएगा और आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे, हाँ, और यही सारी की सारी चीज़ें हैं, स्पीड मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि कर सभी लेते हैं भाई, रागा सेक्शन रीजनिंग के सवाल सभी कर लेते हैं, कक्षा 8 के लड़के को भी अगर आप 15 रीजनिंग के सेक्शन क्वेश्चन दे दोगे तो 7-8-10 तो कर ही लेगा, ठीक है, लेकिन आपको उस एक टाइम पीरियड में सॉल्व करना है, आपके पास 25 मिनट में 30 क्वेश्चन मैथ्स के वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करानी थी प्रोवाइड करा रखी हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको शेयर किए थे PDFs और जो आप जिनसे पढ़ के काफ़ी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो प्रीवियस टाइम के एग्जाम्स के, तो वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई हैं। बाकी कोई डाउट आ रहा हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा तो अपन रिप्लाई कर देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, एंड अभी तो थोड़ा सा लाइक धुंधलापन होता जा रहा है, लेकिन आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी कोई टेंशन है, कोई डाउट है तो जरूर आस्क कर लीजिएगा, अपन रिप्लाई कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।